आतंकी संगठन अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया। 31 जुलाई को सुबह तकरीबन 6:15 बजे हमला हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन अटैक में हुआ ढेर। अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिका अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। इसी ऑपरेशन में जवाहिरी ढेर हुआ। काबुल में एक घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी, लश्कर का मुखिया था, $2.5 मिलियन का इनाम था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की। बाइडेन ने कहा ऑपरेशन कामयाब, बदला पूरा हुआ। Oh, Afghanistan, they killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. मारा गया अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी, अमेरिका में हुए 9/11 हमले में भी था शामिल। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान दौरे पर, चीन और अमेरिका में तकरार, ताइवान में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले चीन ने ताइवान में अपने फाइटर प्लेन तैनात किए, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। चीन ने दौरा करने पर अमेरिका को दी है जंग की धमकी, चीन ताइवान पर अपना हक जमाता है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने की खबर पर भड़का चीन, कहा यह चीन के अंदरूनी मामले में दखल बर्दाश्त नहीं। चीन के बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले चीन पर हमारी नजर, चीन समझदारी से काम ले। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर लापता, कमांडर समेत 6 लोग सवार थे। सरफराज अली पर बलूचों के नरसंहार के आरोप लगते रहे हैं, गायब कराने की भी साजिश। पतराचौल जमीन घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत से आज ईडी करेगी पूछताछ, संजय के वकील की मौजूदगी में पूछताछ होगी। ईडी ने कोर्ट में कहा संजय राउत को 2010-2011 में प्रवीण राउत से पैसे मिले जिससे कि अलीबाग में जमीन खरीदी गई। संजय राउत पर राहुल का ट्वीट, लिखा राजा का संदेश साफ है, जो खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। लोकसभा में महंगाई पर सरकार का जवाब, वित्त मंत्री बोली यूपीए के दौर से आज कम महंगाई, विपक्ष ना करे राजनीति। बिकॉज ऑफ द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी आर रिमेनिंग मच बेटर देन मोस्ट कंट्रीज। वित्त मंत्री ने कहा देश में मंदी नहीं आ रही, भारत में अमेरिका जैसे हालात हैं, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, हम समस्याओं पर काम कर रहे हैं। सरकार के जवाब के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया, सीतारमन ने कहा विपक्ष में जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। आज राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होगी, कल लोकसभा में हुई थी बहस। असम के धेमाजी में बांध टूटने से 60 गांव प्रभावित, पहाड़ों से आए पानी से डूबा इलाका। दक्षिणी कन्नड़ में बारिश के कारण गिरी दीवार, 2 लोगों की मौत हुई। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश, चेरुवेल्ली पुल पानी के तेज बहाव में समाया। केरल के कोट्टयम में बारिश का पानी इलाकों में भरा, लगातार हो रही है बारिश। तिरुवनंतपुरम में आज बारिश का रेड अलर्ट, जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित। राजस्थान के सीकर में 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को बदल दिया तालाब में, 1 हफ्ते तक भारी बारिश के आसार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पानी में डूबी सड़क पर उतरे विधायक सुमित हृदेश, जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड के बागेश्वर में शराब के नशे में धुत युवक नदी में लगा दी छलांग, युवक लापता, रेस्क्यू जारी। Yeah.
हिमाचल में मानसून की बरसात बनी आफत, जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से कई सड़कें बंद, 140 लोगों की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में थोड़ी ही देर की बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें, कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया, स्कूलों की छुट्टी की गई। अमित शाह तिरंगा उत्सव में लेंगे हिस्सा, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया के सम्मान में डाक टिकट जारी करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, सर्वे की मांग पर जिला कोर्ट से मांगी गई है रिपोर्ट। मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के लिए पेड़ काटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई, बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं पेड़, रोक लगाने की मांग की गई है। कांग्रेस विधायकों के पैसे लेने पर सीएम हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ी, कहा बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। इनकी गंदी राजनीति का एक चेहरा ये भी देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का आरोप है कि पकड़े गए तीनों विधायक झारखंड को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला का बड़ा बयान, कहा अनूप सिंह को बीजेपी से ऑफर आया था तो पहले शिकायत क्यों नहीं की, अब क्यों कराई। अनूप सिंह कहते हैं कि हमको 10-10 करोड़ रुपया का ऑफर मिला, तो उनको चाहिए कि उसी समय उस व्यक्ति को बारे में सूचना दे देना चाहिए। अर्पिता मुखर्जी को लेकर एक और खुलासा, नद्या में फिल्म सिटी बनाने की थी प्लानिंग, अर्पिता ने जमीन भी देख रखी थी। स्मृति ईरानी मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को नोटिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा स्मृति और उनकी बेटी गोवा के बार की मालिक नहीं। एमपी के सागर में आदिवासी महिला जनपद सदस्य के अपहरण का मामला, पूर्व सरपंच को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी के खिलाफ गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन, 6 महीने में पकड़ी गई 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स, 667 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बिहार के नवादा में गाय बांधने पर विवाद, लाठी डंडे तलवारें चली, दर्जन भर से ज्यादा घायल। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और केस मिला, नाइजीरियाई युवक की टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ग्लोबल मार्केट में आई नरमी की वजह से घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट, खाने का तेल हुआ सस्ता। फाइव जी स्पेक्ट्रम की पहले दौर की बोली में सरकार ने कमाए 1.5 लाख करोड़, रिलायंस जियो और एयरटेल को मिले सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम। सोना चांदी हुआ सस्ता, गोल्ड का भाव 51,900 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी में 223 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में पहले दिन दिखी तेजी, सेंसेक्स 545 अंक, निफ्टी 181 अंक के उछाल पर बंद। इनकम टैक्स विभाग ने घटाई आरटीआर वेरिफिकेशन की मियाद, अब 30 दिनों के अंदर करना होगा रिटर्न वेरीफाई। रेडमी नोट 11 एसी जल्द होगा लॉन्च, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सुविधा मिल सकती है। भारत सबसे सस्ता मोबाइल डेटा देने वाले विश्व के 5 देशों में हुआ शामिल, पहले नंबर पर है इजराइल। देश में बढ़ रही है 5G मोबाइल की बिक्री, फोन खरीदने का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंचा। वन प्लस का अगला फोन हो सकता है वन प्लस 10RT, ब्लैक और व्हाइट कलर में हो सकता है लॉन्च। वीवो का कम कीमत वाला फोन जल्द होगा लॉन्च, गूगल प्ले पर लिस्ट हुआ वीवो V2 5G। क्या मजबूरी है, हम क्या
मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।